एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और जो है वो शॉपिंग हॉल शेयर करने जा रही हूँ, चूँकि फेस्टिव नज़दीक है। सो चूँकि पिछले साल जो मैंने डिनर सेट ख़रीदा था, उसके साथ मैंने कुछ सर्विंग पॉट आपके साथ शेयर किए थे। सो अब तक जो है मेरा जो डिनर सेट के साथ का सर्विंग सेट था वो इनकम्प्लीट था। तो देखिए, घर का जो सामान होते हैं वो तो हमेशा इनकम्प्लीट ही होते हैं, कभी कम्प्लीट नहीं होते। कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो लगी ही रहती है, और थोड़ा छोड़ के भी रखना चाहिए ताकि आप आगामी समय में उसे पूरा कर सकें। सो मैंने बहुत लंबे टाइम से इन्हें छोड़ रखा था, और अब मैंने जाके जो है वो इन्हें पूरा किया। तो एक तो मैंने ये हांडी शेप में लिया है सर्विंग के लिए। सो इसमें आप मल्टीपर्पज़ चीज़ सर्व कर सकते हैं, जैसे कि दाल हो गई, रायता हो गया, कुछ जो है ग्रेवी वाली डिश हो गई, जैसे हांडी पनीर बनाया आपने, तो उस टाइप की डिश जो है वो उसमें शेयर कर सकते हैं। मैंने इसे जो है वो होम सेंटर से परचेज़ किया है, क्योंकि अगर आप मेरी बात करें, पर्सनल चॉइस की बात करें, तो मुझे जो है क्रॉकरी में वाइट कलर, फुल वाइट कलर, सिंगल वाइट कलर बहुत पसंद है। तो मुझे रंग बिरंगे से जो कप प्लेट होते हैं वो कतई नहीं पसंद आते हैं। एवरीडे में चाय वगैरह के लिए वो वैसे कप मैं ले लूँ, बात अलग है, लेकिन अगर आप कहें प्रॉपर जो है वो सर्विंग सेट के तौर पर या डिनर सेट के तौर पर, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते। तो मैंने जो है वो मुझे प्लेन ही लेना था चुके, तो मैंने ये लिया। और इसके प्राइस जो है वो 999 है, काफ़ी बड़ा है, कैपेसिटी जो है इसकी 1.5 लीटर है। सो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल मेंशन है, हो सकता है आपको ऑनलाइन भी ऑफ़र प्राइस में मिल जाए। हाँ, इनमें प्राइस अप डाउन होते हैं, कभी कभी ये 1200 रुपये में भी आता है। तो जब भी आप होम सेंटर से परचेजिंग करें, नए और पुराने का फ़र्क ज़रूर देख लें, ठीक है। उसके बाद मैंने, चूँकि मुझे दो तीन ही सामान लेने थे सर्विंग जो है वो सेट में, तो वो मेरे इनकम्प्लीट थे, तो उनको लिए मैं थोड़ा परेशान थी। ये मैंने लिया है एक, और ये पड़ा मुझे, मैं पहले आपको रेट दिखा दूँ, 899 का, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 700 ml है। और इसको वैसे तो मैंने एज अ राइस प्लेट जो है वो लिया है, क्योंकि प्लेट में राइस बहुत कम आता है, ये थोड़ा सा गहरा है, और आप इसे डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आइटम आप ग्रेवी वाला, नॉन ग्रेवी वाला इसमें सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा गहरा है। बट मैंने इसे पर्सनल राइस के तौर पर, राइस प्लेट के तौर पर मैं यूज़ करूँगी, बका के देखते हैं। वो तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास क्या है और आप क्या सर्व करना चाहते हैं, इस पर भी निर्भर करता है, राइट। तो ये मैंने एक लिया, और उसके बाद मुझे इस टाइप के दो बाउल लेने थे, जैसे कि बहुत सारे काम में यूज़ हो जाते हैं, हम सब जानते हैं। सो ये मुझे 179 का ईच पड़ा है, और इसमें एक सेम प्रोडक्ट, सेम साइज, सेम कैपेसिटी के साथ, और ये 600 ml जो है वो इसमें प्रोडक्ट आ जाता है, ये इसकी कैपेसिटी है। तो इसी का सेम जो है वो 209 का था शायद, जी हाँ, तो 210 रुपये के करीब का सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस पर था, सेम जो है वो क्वालिटी, क्योंकि न्यू और ओल्ड कलेक्शन का मामला हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो ये मैंने दो लिए, वैसे मैं इसे चार लेना चाह रही थी, बट मैंने अभी दो ही लिए हैं, बाद में मैं देखूँगी, अगर मन करेगा तो दो ले लूँगी। इसमें आप सैलेड मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप चाहें तो इसमें जो है वो स्वीट डिश निकाल के साइड में रख सकते हैं फ्रिज में, अगर आपको ठंडा करना है। बहुत सारी स्वीट डिश ऐसी होती हैं जो ठंडी होने पर भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये मैंने दो लिए हैं, और इसके बाद मैंने ये कॉफ़ी मग लिए हैं, और देखिए ये 99 का ईच है, 99 ईच है, 303 ml इसकी कैपेसिटी है, और इसमें ही सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम साइज़, सेम कैपेसिटी का जो है वो 100 नहीं, वो दूसरा था जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका ही अगर आप सेम बात करें तो वो शायद 120 या 130 का था, जी हाँ 130 का था। तो ये मैंने छः लिए हैं, यहाँ पर दो ही हैं, चार मैं एक्चुअली नीचे हम लोगों ने कॉफ़ी बना के पी ली। तो इस तरीके से मैंने छः लिए हैं, इन्हें मैं अपने डिनर सेट में ऐड करूँगी। आप इसे एज ए कोई ड्रिंक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी के लिए हो जाएगा, आप इसमें छाछ वगैरह सर्व कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। सो बहुत सारी आप इसमें वो भी सर्व कर सकते हैं, कांजी बड़ा बहुत अच्छा लगता है इस टाइप के उसमें। तो ये मैंने लिए हैं, मैंने आपको बताया प्राइस का ज़रूर देख लीजिएगा। जो एक और सेम ऐसा ही मग है जो लेटेस्ट में आया है वो 130 रुपये का है।
तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, सेम चीज़ इनके साथ भी थी। ये मैंने 6 पीस ली कटोरी। वैसे मेरे पास बड़ी बाउल, आपने पिछली बार मैंने डिनर सेट में अपना दिखाया था, 12 मेरे पास ऑलरेडी थी, बट मुझे कुछ छोटी बाउल चाहिए थी। जैसे बच्चे लोग आ जाते हैं वो कम खाना खाते हैं, तो वो वाली बाउल उस हिसाब से बहुत बड़ी हो जा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा छोटी लेनी थी, तो वो मैंने ये ली है। और ये इनके ब्रांड का नाम है। सारी क्रॉकरी मैंने जो है वो होम सेंटर से ख़रीदी है, सो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये माइक्रोवेव सेफ है, 180 ml इनकी कैपेसिटी है और 75 रुपये ईच प्रोडक्ट मिला है ये मुझे। और इसका जो न्यू कलेक्शन आया है, सेम प्रोडक्ट का जो न्यू कलेक्शन है वो शायद 120 की ईच है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। फेस्टिवल के समय थोड़ा सा आप जब चीज़ खरीद रहे होते हैं तो आगे पीछे प्रोडक्ट करके ज़रूर देखा करें, कभी कभी पुराना प्रोडक्ट भी हमें मिल जाता है। तो ये मैंने 6 के पीस लिए हैं, तो ये एज अ साइड कटोरी मैं यूज़ कर लूँगी। बकाया के मैंने 6 कटोरियाँ ये ली, ये थोड़ी सी बड़ी हैं। और ये मैंने डिनर सेट के लिए थोड़ा सा अलग से ली हैं, अपने ही पर्सनल यूज़ के लिए, एवरीडे के लिए मैंने ली हैं। और ये जो हैं वो 59 की एक थी ईच, ठीक है, 59 ईच थी। और इसकी कैपेसिटी जो है वो 290 ml है। सो ये जो उसका न्यू वाला था वो जो है वो 79 का था। जी हाँ, सो 79 ईच, तो 59 ईच वाला मैंने लिया। सेम प्रोडक्ट 79 में था। सो जो मैं आपको बार बार रेट बता रही हूँ उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उससे हमारी मनी थोड़ा सा सेव हो जाती है। और उसके बाद मैंने ये जो दिखाया सेम इसी के मैचिंग से मैंने जो है वो प्लेट्स ली हैं, कुछ साइड प्लेट बोलते हैं इनको, ये मैंने ली हैं। और ये मैंने 6 ली हैं और इसमें जो है वो डायमीटर जो है वो लिखा हुआ है, सो ये 90 cm है। और 79 ईच जो है वो मुझे ये प्लेट पड़ी है। सो इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नई प्लेट थोड़ा सा जो है महंगी है, कॉस्टली है, 99 की है शायद, तो मैंने 6 का ये सेट लिया है। और उसके बाद मैंने कुछ प्लेट्स ली जो मुझे 50% डिस्काउंट पर मिल गई थी, तो मैंने ये 4 ले ली और ये 4 ही थी। तो क्योंकि वाइट के साथ आपको डिज़ाइंस की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, वाइट बस एक कलर हो तो आपका एक कंप्लीट क्रॉकरी सेट, डिनर सेट, आपका कंप्लीट जो है वो सर्विंग सेट हो जाता है। तो बस कलर में थोड़ा सा, इसीलिए जो रंग बिरंगे फूल पत्ती वाले डिनर सेट होते हैं उन्हें अवॉइड करती हूँ, और मुझे नहीं पर्सनली पसंद नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं। इनमें जब खाना में देती हूँ तो सिर्फ खाना दिखाई देता है, फूल पत्ती वाले में क्या होता है खाना फूल पत्ती के साथ मिक्स हो जाता है, सो मुझे इसलिए पर्सनली नहीं पसंद है। तो ये आप देखेंगे, तो ये एक प्लेट जो है वो 99 की थी, जी हाँ, तो 99 रुपये की एक प्लेट है ये, बट मुझे 50% डिस्काउंट मिली तो शायद ये 50 की एक पड़ी है मुझे। सो ये चूँकि ज़्यादा नहीं थी, 4 ही थी, 6 होती तो मैं ले लेती, बट कोई बात नहीं, मैंने 4 ही ले ली, एवरीडे में हम लोग यूज़ कर लेंगे। और एक प्लेट मैंने ये अलग से ली है, इनफैक्ट इस टाइप के मेरे पास कई सारी प्लेट हैं, मुझे 1-2 प्लेट अभी और लेनी है। ये मैं एक अलग से नाश्ते के लिए जो एक सेट हम निकालना चाहते हैं वो मैं निकालना चाह रही हूँ, सो ये थोड़ी सी कॉस्टली जो है वो ज़रूर पड़ी है। इसका आपने टी सेट देखा हुआ, नहीं देखा है तो ज़रूर चेक करिएगा। मैंने पिछली बार दीपावली पर शेयर किया था जो क्रॉकरी ख़रीदी थी मैंने, सो ये 499 की है और ये थोड़ी सी गहरी है, तो आप इसे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, मिठाई के लिए, बिस्किट के लिए, नमकीन के लिए वगैरह वगैरह, जो भी आप रखना चाहें। सो कई सारी चीज़ों के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा ये शॉपिंग हॉल आपको ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसमें एक खास चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो वाइट कलर लेते हैं तो आपको फिर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, सो आप कभी कोई चीज़ मिस हो जाए, टूट जाए, तो आप नई उसमें ऐड कर सकते हैं बगैर पूरे क्रॉकरी सेट को हाथ लगाए हुए, सो बहुत इजीली चेंज हो जाता है। सो पुराना वाला अगर चेक नहीं किया है तो ज़रूर चेक करिएगा। और ये कंप्लीट शॉपिंग मैंने होम सेंटर से की है। होम सेंटर हमारे यहाँ जो मेरे सबसे नियरेस्ट पड़ता है वो सहारागंज मॉल वाला पड़ता है, तो मैं वहीं से परचेस करती हूँ। आप अपने नियरेस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि लखनऊ में कई सारे जो है वो ओपन हो गए हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।